हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग सही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट से राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद अगर आपने फाइनल लॉक नहीं किया है तो आपका राशन कार्ड बन के नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल लॉक करने के बाद ही आपका राशन कार्ड का नंबर आधिकारिक अग्रेषण होता है और उसके बाद ही आपका राशन कार्ड अप्रूवल होता है। फाइनल लॉक कैसे किया जाता है आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च बार में ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करें। तो मैंने देखिए ई डिस्ट्रिक्ट, ये फर्स्ट वाला लिंक है ई डिस्ट्रिक्ट होम, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ई डिस्ट्रिक्ट का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये लॉगिन पेज आ गया है। देखिए राइट साइड में लॉगिन टू ई डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम उसके नीचे सिलेक्ट टू लॉगिन टाइप पे क्लिक करते हैं, और सबसे नीचे वाला ऑप्शन CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, इस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद उसके नीचे हमको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा को रिफिल कर देते हैं सेम टू सेम। तो कैप्चा को रिफिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेलकम टू नाम के साथ CSC केंद्र उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आय जात निवास बहुत सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो चलिए हमको राशन कार्ड वाले सेक्शन में जाना है और उसमें फाइनल लॉक कैसे किया जाए इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इसमें देख लीजिए आप जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना सकते हैं। उसके साथ साथ इनमें बहुत सारी और भी सेवाएं हैं, जैसे लाउड स्पीकर, फायर सर्विसेज, विकलांग एवं समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं CSDG निस्तारित आवेदन, उसके बाद राजस्व एवं पंचायती राज विभाग और राजस्व वाद। तो हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, उसमें हमको करना है फाइनल लॉक। तो उसके लिए हमको यहाँ पे छठवें नंबर पे आ जाना है, जो कि विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं SSDG निस्तारित आवेदन सेक्शन में आ जाना है। इस सेक्शन जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें, इस पे हमको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, रिक्वेस्ट मोर कोटा, अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस एंड क्लोज। ठीक है, तो इसमें हम बीच वाले पे क्लिक करते हैं जहाँ पे लिखा है अप्लाई टू इंटीग्रेटेड सर्विस, इस पे हम कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे विभाग का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विस, तो इस पे हमको यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाना है, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट, थर्ड नंबर पे फूड एंड सिविल सप्लायर। ठीक है, राशन कार्ड, इस पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश, इस पे हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं होम, NFSA और लॉग आउट तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको सेकंड वाले पे NFSA, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके नीचे ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद उसमें होम है, उसके बाद फिर एक नंबर पे है मास्टर, दो नंबर पे मास्टर रिपोर्ट, ये दोनों ऑप्शन डिसेबल है, और तीसरे नंबर पे NFSA और चौथे नंबर पे है NFSA रिपोर्ट, और पांचवें और छठवें नंबर पे है SSDG। तो हमारे लिए केवल तीन ही सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि NFSA और NFSA रिपोर्ट। तो हमको तीसरे नंबर पे क्लिक करना है NFSA। तो चलिए हम NFSA पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में एक लिस्ट बन के आ गई NFSA की। आप इस लिस्ट में नया राशन कार्ड बना सकते हैं और नाम जोड़ सकते हैं, नया राशन कार्ड की पावती ले सकते हैं, आप सारी सेवाओं का लाभ इसमें ले सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देखते हैं राशन कार्ड आवेदन, इसमें नई प्रविष्टि पात गृहस्थी, नई प्रविष्टि अंत्योदय, मतलब ये नया राशन कार्ड आप बनाने के लिए है, चेक फॉर्म प्रिंट, प्रविष्टि संशोधन, आवेदन का आधार डुप्लीकेसी, चेक हेतु अग्रेषण और आवेदन का संबंधित अधिकारी का अग्रेषण, और
राशन कार्ड पावती रसीद, और उसके बाद 2 नंबर पे राशन कार्ड संशोधन। इसमें आपको इस सेक्शन में आप राशन कार्ड का संशोधन कर सकते हैं, जिसे किसी का नाम जोड़ सकते हैं, किसी का नाम कटा सकते हैं, और उसके बाद ड्राफ्ट प्रिंट करा सकते हैं, संशोधन संबंधित अधिकारी को अग्रेषण कर सकते हैं, राशन कार्ड की पावती रसीद ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर राशन कार्ड है तो अभ्यर्थन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप राशन कार्ड का समर्पण हेतु आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थियों के लिए किए गए राशन कार्ड की पावती रसीद भी ले सकते हैं आप। और चौथे नंबर पर राशन कार्ड है तो नवीनीकरण, आप यहाँ पे सब चीज़ दे सकते हैं। और देखिए पाँचवें नंबर पर राशन कार्ड के में आधार सीडिंग, ठीक है, तो हमको यहाँ पे राशन कार्ड को फाइनल लॉक करना है। तो फाइनल लॉक करने के लिए हमके यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो 1.6 है, इसमें आवेदन के संबंधित अधिकारी को अग्रेषण, ठीक है, हमको इस पे क्लिक करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे है, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया है जिला चुने, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमारा जिला है ये, उसके बाद भी यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। राशन कार्ड का नंबर डालने के बाद हमको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पहले रेड कलर से दिया हुआ था अब वो हट गया है, और यहाँ पे लिखा है NFSA राशन कार्ड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे बैक का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पावती रसीद के साथ राशन कार्ड का आवेदन शुल्क दिया है, और खाद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश से ये यहाँ पे पूरा आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, तो चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सेव कर लिया, अब देखिए सेव हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।